फातिमा कोचिंग क्लासेस और फातिमा मदरसा इनके जानिब से फूड फेस्टिवल प्रोग्राम बेगमपेट परिसर में रखा गया था। यह प्रोग्राम पिछले 3 सालों से कामयाब हो रहा है और इस साल भी एक बेहतरीन अंदाज में रखा गया था। लगभग 50 से ऊपर इन छोटे बच्चों ने अलग अलग पकवानों के स्टॉल लगाए थे, जिसमें इन बच्चों को आने वाली जिंदगी में या फिर व्यवहार कैसे किया जाए यह सीख मिले, इस कारण यह फूड फेस्टिवल रखा गया था और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और स्टॉल पर लगे हैं पकवानों का स्वाद चखा। यह फूड फेस्टिवल की ओपनिंग मशहूर उद्योजक जावेद बागवान व उनकी बीवी इनके हाथों से किया गया। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। फातिमा जोरा। फातिमा जोरा। क्या बेच रहे हो आप? पानी की बोतल। बिक रही है? क्या लाया हुआ? मैं पानी पूरी लाई। बिक रही है सो? हाँ। खत्म हुई? नहीं अभी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फिरदौस इमरान सालार है। मैंने फेस्टिवल में कद्दू की खीर लाई, अलहमदुल्ला बहुत अच्छे से बिक रही है। मेरा नाम अब्दुल्ला साबिर बागवान है। मैंने चिकन स्टिक लाया था और ब्रेड रोल लाया था। ऑर्गेनाइज किया है फूड फेस्टिवल रोमाना बाजू और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फातिमा कोचिंग और फातिमा मदरसे की तरफ से ये साल भी फूड फेस्टिवल रखा गया है। पिछले हम 3 साल से ये फूड फेस्टिवल रख रहे हैं, बिकॉज़ बच्चों को ये समझ में आए कि कमाना किसे कहते हैं और तिजारत करना किसे कहते हैं। इंशाल्लाह ये बार हमारे स्टॉल 50 स्टॉल लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स कैसा है। अल्लाह का एहसान है, पूरे मदरसे के, आलिमियत के, ट्यूशन्स के या अदर स्कूल्स के भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लिए हैं। इसकी कोई भी फ़ीस नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह से ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह।